हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एकदम ब्रांड न्यू चैनल में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ये वीडियो है वॉल क्लाइंबिंग कार के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में करेंगे हम पूरी चैट वॉल क्लाइंबिंग कार के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हम करेंगे चैट वॉल क्लाइंबिंग कार के बारे में। तो जो ये आप देख रहे हैं ये है वॉल क्लाइंबिंग कार, जिसको मैंने बाउट किया था नापतोल से 999 में। और अगर आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और साइट से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं इस कार के बारे में। जो एक कार है वॉल क्लाइंबिंग कार, ये महंगी जिस हिसाब से ये काम करती है उस हिसाब से ये बहुत महंगी है। और इसका कंट्रोलर दिखता है कुछ ऐसा, जिसके पीछे लगते हैं 6 AA बैटरीज। इसके पीछे हमें ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर से पहले इसका नेट खोलना पड़ेगा और लगानी पड़ेगी 6 AA बैटरीज। इसके ऊपर दे रखी है 2 LED रेड और ग्रीन, ऑफ करने पे पावर के लिए रेड और ऑन करने के लिए ग्रीन। और जो मैंने बाउट की थी ब्लू कलर में, और ये वॉल पे उतना अच्छे से नहीं चलती जितना मतलब TV में दिखाया था। मेरे को तो इतनी खास नहीं लगी ये कार जिस हिसाब से इसकी रेटिंग है। और आप देख सकते हैं इसका कंट्रोलर, जो इसके कंट्रोलर के बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से निकलता है चार्जर जिसकी वजह से ये चार्ज होती है। पीछे आप देख सकते हैं चार्ज का ऑप्शन, और 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको वॉल, फ्लोर और ऑफ। वॉल पे चलानी हो तो वॉल के ऑप्शन पे, अगर फ्लोर पे चलानी होगी तो फ्लोर के ऑप्शन पे आपको ये पॉइंट को लगाना होता है। और इस कार के नीचे रहती है 4 LEDs, और ये दीवार पे चिपकती किस वजह से है। इसके पीछे कुछ वो लगे हैं, मतलब इसके पीछे कुछ फ़ैन है एक, जो कि बहुत तेज़ घूमते हैं जैसे आप करते हैं इसको वॉल मोड पे, तो वो फ़ैन बहुत तेज़ी से घूमते हैं और दीवार को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और ये वहीं चिपक जाती है। और जब ये दीवार पे ऐसे चिपकती है तो उसकी साउंड बहुत ही प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड आती है और बहुत नॉइस पॉल्यूशन फैलाती है। तो मेरे को तो ये कार उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस कार में मेरे को एक और बात अच्छी नहीं लगी कि इसके पीछे, इस रिमोट के पीछे लगते हैं 6 AA बैटरीज, और जिस AA बैटरी से कार भी चार्ज हो जाती है, जो बहुत बैटरी कंज्यूम करती है, और हमें ये बार बार ये 6 AA बैटरी चेंज करनी पड़ती है और नई लगानी पड़ती है। और जो ये आप देख रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल, इसके बीच से निकलता है कुछ ऐसा चार्जिंग केबल कार का, और ये ट्रिमिंग ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल पे। और जो ये कार देख रहे हैं आप, मेरे को इसमें एक और बात अच्छी नहीं लगी। जो ये कार है मतलब ज़्यादा देर तक दीवार पे नहीं चल पाती, केवल लगभग 1-2 मिनट और ज़मीन पर चलती है। और ये कार बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की, और इसका वेट बहुत ही कम है। और ये जॉयस्टिक देख सकते हैं, इसका कंट्रोलर कुछ ऐसा है, दीवार पे कुछ ऐसे लगती है। उसके नीचे रिमोट पे आप देख सकते हैं कुछ LED, लेकिन वो जलती नहीं है, वो केवल शो के लिए है। और ये कार है केवल प्लास्टिक की, तो इसलिए मेरे को ये भी अच्छी नहीं लगी। कार के पीछे आप देख सकते हैं, कार का पीछे दिखने में ऐसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा होता है फैन, जिसकी वजह से वो दीवार पे अट्रैक्ट करता है। इस कार के आगे लगी हुई है 2 LED, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि है ब्लू कलर की। जब आप आगे को चलाते हैं तो ये जलती है ब्लू कलर में। और पीछे आप देख सकते हैं 2 और LED, जो कि है रेड कलर की। जब आप इसको बैक करते हैं तो जलती है ये रेड कलर में। तो इस कार के लिए बस इतना ही। मेरे को इस कार ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन अगर आपको ये खरीदनी है, आपको पसंद आई, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।